सिरमौर के नारक में रैली में शामिल होने के लिए जाते समय कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर सोलन के विश्राम गृह में रुके। सोलन पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए उपचुनावों को लेकर अपनी बेबाक राय रखी और कांग्रेस पर तीखे तंज भी कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार सामने देख रही है और इसलिए वे पूरी तरह से बौखला चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेसी नेता उसी जलजलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी करने पर मजबूर हो चुके हैं। सिरमौर के नारग में रैली में शामिल होने के लिए जाते समय कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर सोलन के विश्राम गृह में रुके। सोलन पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए उपचुनावों को लेकर अपनी बेबाक राय रखी और कांग्रेस पर तीखे तंज भी कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार सामने देख रही है और इसलिए वे पूरी तरह से बौखला चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस नेता उसी जलजलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी करने पर मजबूर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जान चुकी है कि वे बुरी तरह से हार रहे हैं, यही वजह है कि वे घबरा कर अब आक्रोश रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रति उनका कोई आक्रोश नहीं है बल्कि वे अपने नेताओं के प्रति ही अपना रोष आक्रोश रैलियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शालीनता के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीत रही है और यही सबसे बड़ी वजह उनके आक्रोश और रोष की है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों ने कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल खराब कर दी थी, जिसे वे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे कामयाब होने वाले नहीं हैं। देखिए, उपचुनाव है, स्वाभाविक रूप से अपना अपना जोर सब लगाएंगे और वो कोशिश कर रहे हैं कि पिछले काफी अरसे से उनकी स्थिति बनी है देश में, प्रदेश में, उसमें सुधार कर सके। वो सिर्फ सुधार करने की दृष्टि से कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक रोष आक्रोश की बातें कह रहे हैं, वो उनकी ऐसी परिस्थिति अपनी है कि रोष भी उनका अपनों से ही है, आक्रोश भी अपनों से ही है और हमारे से रोष आक्रोश की कोई वजह बनती नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में हार जब निश्चित रूप से उनको दिख रही है तो स्वाभाविक रूप से रोष और आक्रोश की और भी संभावना बढ़ती है उसमें। इसलिए लोकतंत्र है, वो जो करना चाहे वो करें, लेकिन हम चुनाव शालीनता से लड़ रहे हैं, सहजता से लड़ रहे हैं और हम इस चुनाव को जीत रहे हैं और उस चुनाव को हार रहे हैं। रोष और आक्रोश की सबसे बड़ी वजह उनकी ये है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।